वो है कि बिष्णुपुर जाएंगे, वो टेराकोटा का जगह है, टेराकोटा मंदिर वगैरह है, वहाँ पे देखने के लिए जाएंगे, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनेगा वहाँ पे। लेकिन मिडिल में हुआ कि अभी बस नहीं मिल रहा है, सो हम लोग अभी रुके हैं। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट, और बाहर का वेदर अभी बारिश हो रहा है। सो इतना दिन से, चार पांच दिन से मैं नॉर्मली वॉच कर रहा था, मेरा लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किया था अनएक्सपेक्टेड थोड़ा स्लो चल रहा है, व्यूज़ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, व्यूज़ लाइक्स वगैरह थोड़ा सा लो है, लेकिन सब्सक्राइबर थोड़ा गेन हुआ, तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी आज जो होने वाला है वो है अनएक्सपेक्टेड। मैं आज फिलहाल राइड पर निकलने वाला हूँ, तो एकदम अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड इसीलिए क्योंकि आज वेदर भी सूखा नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज बारिश भी हो रहा है। सो मतलब तगड़ा वाला व्लॉग होने वाला है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉन्ग बाइसेप्स। सो हम लोग निकलने वाले हैं, ऑलमोस्ट डेढ़ बजे तक हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। उससे पहले मैं ऑलरेडी फ्रेशन अप हो गया, मैं ग्रूमिंग वगैरह कर लिया, क्योंकि मैं राइड पे निकलने से पहले या तो घूमने से पहले मैं ग्रूमिंग कर लेता हूँ, सेटअप कंप्लीट। और अभी थोड़ी देर के बाद मैं निकलने वाला हूँ, ऑलमोस्ट एक चार तो हो ही गया है। मेरे हाथ में जो टाइम अभी है वो करीबन 25 to 30 मिनट्स मेरे पास टाइम है। सो हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ अभी हम लोगों को रेनकोट पहनना है क्योंकि बारिश तगड़ा वाला हो रहा है बाहर पे, अभी भीग जाने का चांसेस है। तो रेनकोट पहन के निकलेंगे क्योंकि अभी गियर मैंने ख़रीदा नहीं है, नॉर्मल रेनकोट पहन के हम लोग जा सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आज बारिश हो रहा है, सो होने वाला है एक तगड़ा वाला व्लॉग। सो जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत सारा चैलेंजेस है, चैलेंजेस तो एकदम पहले से ही लग गया कि यहाँ पर पूरा टैंक का जो ये जो लॉक है ये लॉक खुल नहीं रहा था, फिर तेल डाल के इसको खोला। अभी दूसरा है कि व्यू का मम्मी भी जा रहा है, एक्चुअली हम लोग तो जा रहे हैं दार्जिलिंग का प्लान बनाया था, दार्जिलिंग जाने का, लेकिन व्यू बोला फर्स्ट टाइम जाऊंगा, थोड़ा आसपास में चलते। तो आसपास में हम लोग अभी जो प्लान हम लोगों ने बनाया है हम लोग वो है कि बिष्णुपुर जाएंगे, वो टेराकोटा का जगह है, टेराकोटा मंदिर वगैरह है, वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनेगा वहाँ पर। लेकिन मिडिल में हुआ कि अभी बस नहीं मिल रहा है, सो हम लोग अभी रुके हैं, बस जैसे ही मिलेगा हम लोग निकल जाएंगे। तो चैलेंजेस तो पहले से स्टार्ट है। अभी फ़िलहाल मैं एस्प्लैनेड में हूँ, रुका हूँ, फिर गया है अंदर, उसका मम्मी को और उसका भाई को बस में चढ़ा के फिर हम दोनों निकल जाएंगे यहाँ। अभी मैं सोच रहा हूँ अगर मैं रेन गियर खरीदता, एक्चुअली रेन गियर बोल रहा हूँ, एक्चुअली अगर मोटो गियर खरीदता तो अच्छा होता। तो अभी मेरे को रेनकोट पहन के घूमना हो रहा है, रेनकोट में एक्चुअली गर्म हो रहा है थोड़ा, और एक प्रॉब्लम हो रहा है मेरा ये जो जूता है एक्चुअली वाटरप्रूफ नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, भीग जा रहा है अंदर, पच पच हो रहा है। वहाँ जाके सुखा तो दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे का मैं सोच रहा हूँ, नेक्स्ट डे ये पहन के मैं टूर कर पाऊँगा कि नहीं। तो हम लोग अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया, इसीलिए लिया क्योंकि हम लोग जो रेनकोट पहने थे वो रेनकोट खोलने के लिए, क्योंकि पीछे तो दिखाई दे रहा है सूरज देवता, वो भी एकदम प्रकट हो चुका है, और यहाँ पे रास्ता भी सूखा हुआ है। तो हम लोग बोल रहे हैं शाम का रेनकोट पहन के चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो व्यू भी खोल के वो भी रेडी हो गया है, रेनकोट सभी ने हम लोगों ने खोल दिया, और हम लोगों ने अभी तक 40 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम लोगों के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं। तो हम लोग 40 किलोमीटर अभी तक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, मतलब बहुत है। ये बर्धमान पहुंचने के लिए तो इतना सुंदर मक्खन के जैसा रास्ता देख के ना मैं पिघल गया, और मेरे से नहीं हो रहा है। मैं व्यू को बोला कि रुकते हैं,
मैं कैमरा में ट्राइपॉड लगा देता हूँ, तुम पकड़ के बैठो और रस्ते का एक अच्छा सा वीडियो, तुम चुपने ईश्वर वाला रास्ता है, देखो रास्ता देखो पूरा एकदम, मतलब आसपास कुछ नहीं, पूरा खाली खाली रास्ता। सो हम लोगों ने टोटली 50 किलोमीटर अभी तक क्रॉस कर चुके हैं। 50 किलोमीटर एक्चुअली ये होता है जो सेकंड हुगली ब्रिज से, और हम लोगों का घर से और 20 किलोमीटर पकड़ लो, मतलब ऑल टोटल 70 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस कर चुके हैं। सो अभी मिडिल में वेट किया इसीलिए क्योंकि 70 किलोमीटर से कंटिन्यू ये गाड़ी चला है, सो इसलिए थोड़ा मैं बोला कि थोड़ा सा वेट कर लेते करके 5-10 मिनट हॉल्ट लेके फिर हम लोग निकल जाएंगे डायरेक्टली। फिर अभी नेक्स्ट जो हॉल्ट लेंगे वो शक्तिगढ़ में, उससे पहले और कोई हॉल्ट नहीं होगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट शक्तिगढ़ पहुंच चुके हैं, अभी यहां से हम लोगों को जो डेस्टिनेशन जाना है इंदास, सो वहां पे हम लोग हॉल्ट करने वाले हैं। सो अभी यहां से और भी एक घंटा, यहां से बेसिकली वर्धमान जो है और आधा घंटे का रास्ता है, लेकिन उसके बाद और भी एक घंटे का रास्ता है हम लोगों को एटलीस्ट जो डेस्टिनेशन के लिए पहुँचना है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे 5-10 मिनट का स्टे लेंगे, थोड़ा मिठाई वगैरह खरीद लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। सो मेरा आँख थोड़ा सा डल हो गया है, डल मतलब थोड़ा सा लाल लाल हो गया है, क्योंकि मेरे को जो प्रिकॉशन लेना था राइड से पहले वो वाला प्रिकॉशन मैंने नहीं लिया, और कल रात को आके पूरा तो लाल हो गया था। अभी फिर भी रात को सो के जब उठा थोड़ा सा ठीक ठाक है, अभी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि रात भर करंट नहीं था, करके मैं एडिट भी कर नहीं पाया क्योंकि लैपटॉप में तो उतना चार्ज भी नहीं है। अभी करंट आया है, मैं सोच रहा हूँ अभी एडिट कर लेता हूँ करके ब्लॉग में डाल देता हूँ। सो बाकी का राइड आज हम लोग कंप्लीट करेंगे बिष्णुपुर के लिए। सो अभी मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देता हूँ, अगर ब्लॉग यहाँ तक अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड वेट करो फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।